क्या आप खुशालपुर के बच्चों की कहानी सुनेंगे? मेरा गांव एक गली, एक नए जहां में आया मैं। मेरी गली मेरी राह, प्यारी प्यारी सबकी बातें, कुछ भले कुछ अच्छी आदतें। मेरी मम्मी थी वहां, मेरी मम्मी थी वहां, मेरे पापा थे जहां, मेरे पापा थे जहां, कहानी। एक ही दिन मैं रो रहा था, बापू चोट करके आए, बापू ने लिया मुझे उठा। कुछ गलत सा हो रहा था, चुप नहीं मैं हो रहा था, डर गया था मुझको ना पता। और फिर एक दिन आया राक्षस, देखा उसने सो गए हैं सब। राक्षस में हो राक्षस में जहाँ गंदे हाथ पाऊंगा, जहाँ गंदे हाथ पाऊंगा, मैं उस घर में आऊंगा, बच्चों को लेके जाऊंगा। राक्षस में मालगी थी घर सफाई, झाड़ू भी वहीं पे लगाई। सफाई भूख फिर मुझे लगाई, हाथों की न की सफाई जी। हो राक्षस में जहाँ गंदे हाथ पाऊंगा, मैं उस घर में आऊंगा, बच्चों को लेके जाऊंगा। राक्षस में अम्मा मेरी भोली रे भाली, मल की करे साफ सफाई। ए अम्मा मेरी भोली रे भाली, मल की करे साफ सफाई। खाना बनाए खाना खिलाए, पर हाथ धोना भूल गई रे, हाथ धोना भूल गई। गंदे हाथ पाऊंगा, घर उस घर में आऊंगा। और अगले दिन गांव में सन्नाटा छा गया, सारे गांव वाले बन गए बेचारे, ताऊ दादी चाचा चाची सब लाचारी के मारे। सुनिए, जिस राक्षस को आप हराना चाहते हैं, वो आपके ही हाथों में अनदेखे कीटाणुओं के रूप में बसा है। सिर्फ एक ही चीज इस राक्षस का हमेशा के लिए अंत कर सकती है, वो है साबुन से हाथ धोना। साबुन के बिना हाथ धोए आप जो भी छूते हैं उसमें कीटाणु फैल जाते हैं, आपके शिशु में भी, जिससे उसे संक्रमण हो सकता है। इसके लिए साबुन हमेशा पानी के साथ में रखिए और अपने घर को सुरक्षित बनाइए। सिर्फ साबुन से हाथ धोने से ही आपका बच्चा खुशी खुशी खेल सकता है। तो हमेशा स्तनपान और खाना खिलाने से पहले, शौच के बाद, बच्चे के मल को साफ करने के बाद और खाना बनाना, व छूने से पहले हाथ धोना ना भूले।